साथियों नमस्कार। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि इस आरक्षण की लड़ाई की जो स्पेशल अपील दाखिल होनी थी वो 12 तारीख को हम लोगों ने दाखिल की और वो 17 तारीख यानी कि आज लगी हुई थी चीफ जस्टिस और राजा राय साहब के। लेकिन दुर्भाग्यवश ये समझो कि जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं उसके मद्देनज़र चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद से लखनऊ नहीं आ सके, लिहाजा ये हुआ कि सीजे की कोर्ट से आज जो अपना केस ट्रांसफ़र हुआ वो एक नंबर में गया। एक नंबर इन द सेंस जहाँ पर ओपी शुक्ला और डीके उपाध्याय साहब बैठ रहे थे। ओपी शुक्ला सॉरी डीके उपाध्याय साहब का इससे कोई विशेष लेना देना नहीं था, लेकिन ओपी शुक्ला इस 1356/2020 मैनपाल एंड अदर्स पर 13 मार्च को जो ऑर्डर डिलीवर किया था और अपील उन्हीं के अपील हम लोगों ने दाखिल की थी और अपील के अगेंस्ट उनके यहाँ सुनवाई नहीं हो सकती थी, लिहाजा नॉट बिफोर केस हो गया। कहने का मतलब ये है कि जिस जज ने आदेश दिया है अगर उसी के खिलाफ उस आदेश को चुनौती दोगे तो ये कैसे संभव है कि उसी के यहाँ सुनवाई होगी। तो जो ऑर्डर आया उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि उसमें जो कहा गया कि जो नई बेंच बने उसमें ओम प्रकाश शुक्ला जी का नाम ना हो या वो उसका उस बेंच का वो हिस्सा ना रहे। कहने का मतलब अगले जो सप्ताह में केस लगेगा उसमें ओम प्रकाश शुक्ला जी नहीं रहेंगे, वो टीवी में कोई अन्य रहेगा। उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि मनोज कुमार जी और राजेंद्र साहब रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ही बीच के एक साथी हैं जिनका मुकदमा कल लगा हुआ और वो सीजे साहब के यहाँ लगा हुआ है। उम्मीद है कि ट्रांसफ़र होकर के अगर एक नंबर में जाता है तो कोई बात नहीं, तभी ट्रांसफ़र होकर के ये मान के चले अगले सप्ताह में मुकदमा लिस्ट होने के लिए आदेश होगा। बावजूद एक नंबर से किसी दूसरे कोर्ट में गया तो 99% उल्टा पुल्टा कुछ आर्डर हुआ तो उसका दंश जो 2.5-3 सालों से झेल रहे साथी हमेशा हमेशा के लिए झेलेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब डिजिग्नेटेड सीनियर किसी मामले में आर्गूमेंट करता है, बहस करता है, तो कोर्ट काफ़ी कंसर्न होकर के उनको काफ़ी कंसिडर उनके आर्गूमेंट को करती है। लेकिन जूनियर जब आर्गूमेंट करता है तो कोर्ट बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोर्ट के बहुत नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। हमारा हाथ जोड़कर उन सभी पैरविकारों से निवेदन है, अगर हो सके, अगर आप आरक्षण की लड़ाई जीतना चाहते हो, अपने वर्ग का भला चाहते हो, अपने नस्लों के साथ अन्याय होने नहीं देना चाहते हो, तो थोड़ा धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए। हम प्रयास है कम से कम 2-3 सीनियर लेकर के अपियर होंगे और जो 13 मार्च 2023 का आर्डर है उस पर हम स्टे जरूर ले लेंगे। लेकिन उससे पहले ही अगर आप इस केस का गुणगोबर कर दोगे तो हमारे लिए संभाल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। रंजीत जी भी जवाब देता हूँ, तो इस बात का ध्यान रख करके ही मैदान में उतरिए कि किसी तरह से कोई अहित ना हो सके। सावधानी अगर कल नहीं बरती गई तो 99% नुकसान होना तय है, इस बात को हम दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई आर्डर अगर अनसंट हुआ तो हमारी भी अगली सप्ताह जो आ रही है वही आर्डर कापी पेस्ट हो जाएगी। सरकार और कोर्ट ये चाहती है, कोर्ट नहीं सरकार तो ये चाहती है कि किसी तरीके से मामला उलझ जाए, गड़बड़ा जाए और हमको जो है ना लिस्ट रिविजिट करना पड़े ना कोई सीटें देनी पड़े, जो जैसा है उसी हाल पर उसको छोड़कर के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दो बार टाइम दिया 5:30-6:30 लाइव आने के लिए, नहीं आ पाया। अभी जस्ट आकर के बैठा हूँ तुरंत। सबसे पहले मैं कहा लाइव के माध्यम से आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों को बता दें कि अगर पैरवीकार ध्यान नहीं दिए तो कोर्ट टीम ने जो पहले घोषणाएं की या पहले ये अपना ओपिनियन दिया है, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि कोर्ट टीम का 90% जो ओपिनियन रहा वो सही रहा। उनको या पैरवीकारों को अगर ये लग रहा हो कि हमारा मुकदमा पहले चला जाएगा तो हमारी लीडिंग रहेगी, तुम्हारी लीडिंग रहेगी, तो उनकी जानकारी के लिए ये बता दें कि लीडिंग की तो बात छोड़िए, मुकदमा ही नहीं बचेगा तो लीडिंग पीडिंग तो छोड़ दीजिए।
लीडिंग का भ्रम आप दिमाग से निकाल दीजिए, जो प्रशांत चंद्रा जैसे सीनियर की लीडिंग को हम लोग उसको प्लीडिंग बना दिए थे, तो आगे अब ज़्यादा मत खिलवाइए। जब जूनियर और वहीं पे सीनियर उपस्थित होता है तो चाहे जिसका अपील होती है उस बंच में सीनियर ही बोलेगा, जूनियर नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोर्ट का अपना रिस्पेक्ट है सीनियर के आगे, जूनियर तब तक नहीं बोलेगा जब तक सीनियर वहाँ उपस्थित रहे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मामला बहुत गंभीर है, प्रकरण बहुत गंभीर है, इस बात को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो नुकसान सभी आरक्षित वर्ग के साथियों का। जिस प्रकार के जनरल के अभ्यर्थी एक होकर के आज कोर्ट में देखे थे हमने, जितने भी जनरल के थे सारे के सारे आज एक होकर के कोर्ट में उपस्थित थे, जो एक दूसरे के पर गाली देते थे या एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, आज सभी लोग एकजुट होकर के उनको ये मालूम है, उनको ये मालूम है कि ये तैयारी पर या इस जजमेंट के अगेंस्ट कोर टीम हम लोगों को हरा देगी, क्योंकि स्पेशल अपील हम लोग और पहले भी फाइल कर सकते थे, लेकिन स्पेशल अपील तैयार करने में हम सभी के सारे कर्म हो गए, अथक मेहनत करने के बावजूद 600 पेज की जो स्पेशल अपील तैयार हुई है, इसको आप लोग देखिए तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं कि स्पेशल अपील जो है कितनी मोटी स्पेशल अपील तैयार हुई है, सोच लीजिए, ये सर कोई सामान्य काम नहीं है कि एक दो दिन में तैयार हो जाएगी अपील, इसको तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा, काफ़ी तैयारियों के बावजूद ये तैयार हो पाई। अब उस मेहनत को बेकार मत जाने दो, निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखिए, हमको स्टे ऑर्डर पर करवा लेने दीजिए, उसके बाद में जो मर्जी कहे तो करिएगा, अगर चुक जाओगे तो इसको ऐसे 4-5 साल तक लगते रहोगे, अगर स्टे नहीं होगा सरकार फंसी नहीं रहेगी, सरकार जब फंसी नहीं रहेगी तो डेट पे डेट ऐसे चलता रहेगा। इसलिए हम जुड़े सभी साथियों से निवेदन करेंगे, सभी लोग इसको सभी लोग अधिक से अधिक जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग इसको अन्य ग्रुपों में लिंक को कॉपी पेस्ट करके शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक बात पहुंच जाए। हम अपनी जिम्मेदारियों से ये मान लो कि हम पूर्व सूचित कर दें कि ताकि बाद में हमारे ऊपर कोई या कोई टीम के ऊपर हमारे भास्कर के ऊपर कोई आरोप ना आए कि आप लोग इतना जानते थे समझते थे तो आपने क्यों नहीं बताया, अगर आप पहले बता दिए होते तो हम इन लोगों से या ऐसे लोगों से हम जरूर से जरूर वार्ता कर लेते। तो आप सभी साथियों को बता दें कि थोड़ा धैर्य रखें वो साथी जो जल्दबाजी में, या अगर इतनी जल्दी थी तो हमसे पहले फाइल कर लेते आप, हमने 12 को फाइल किया, 13 को तुमने फाइल किया, तुम्हारे पास पूरा 1 महीना था, उससे पहले ही फाइल कर लेते, बहुत टाइम था, लेकिन तुमको हमारे केस को गुड़गोबर करना है, ख़राब करना है, इसीलिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फिलहाल खैर उसमें हमारा ही नहीं नुकसान होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, जो इस लड़ाई को इस मुकाम तक आर्थिक शारीरिक जिस भी एंगल, थोड़ा धैर्य रखें वो साथी जो जल्दबाजी में, या अगर इतनी जल्दी थी तो हमसे पहले फाइल कर लेते आप, हमने 12 को फाइल किया, 13 को तुमने फाइल किया, तुम्हारे पास पूरा 1 महीना था, उससे पहले ही फाइल कर लेते, बहुत टाइम था, लेकिन तुमको हमारे केस को गुड़गोबर करना है, ख़राब करना है, इसीलिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फिलहाल खैर उसमें हमारा ही नहीं नुकसान होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, जो इस लड़ाई को इस मुकाम तक आर्थिक शारीरिक जिस भी एंगल से यहाँ तक लेकर के आया। नीम हकीम खतरे की जान, आधी अधूरी जानकारी, कम नॉलेज, कौन सी ड्राफ्टिंग हुई है, किस मुद्दे पर ड्राफ्टिंग हुई है, क्या कैसे क्या किया है, इसको किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारी अपील को उठा लीजिए, हमारी अपील को निकलवा लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा, A to Z सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें ड्राफ्ट की है, और 10 बिंदुओं पर हमने कोर्ट का जो 10 बिंदुओं पर हमने ग्राउंड बनाए हैं, और कोर्ट से पुरजोर निवेदन किया है कि हमको इस आर्डर पर लाठी पीछे जरूर दें, अदरवाइज स्टेट लिस्ट को रिविजिट करके कुछ 800 के भी साथियों को आपस में बांट देगी, बांट करके वहाँ पे भी 2 लोगों को लड़ा देगी, जिस प्रकार से यहाँ पर 800 और अनारक्षित को लड़ाई हुई है। ज़्यादा कुछ वार्ता का विषय है नहीं, दो ही बिंदुओं पर हम लाइव आए हैं, एक तो ये है कि अगली सप्ताह जो मुकदमा अपना लगेगा उसमें ओम प्रकाश शुक्ला जी नहीं रहेंगे, कोई दूसरा रहेगा, उम्मीद है कि मनीष कुमार और राजेंद्र साहब रहेंगे। उसके बाद कल एक अपने साथी का ही मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन अगर कल मनीष कुमार और राजेंद्र साहब के यहाँ गया तो अगर अपनी बात को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, तो नुकसान होना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, या उससे बचने के लिए उनके पास ऑप्शन ये है कि वो अपने काउंसिल को इन्फॉर्म करें और सुबह 10:15 बजे से पहले पहले इलनेस एप्लीकेशन दे दें, या नाक प्रेस कर दें, या कोई अदर इशू बता करके इसको नेक्स्ट वीक लिस्टेड करवा लें। मैं जानता हूँ
उनके दिमाग में बात है कि हमारी कल लगेगी, कल सुनवाई होगी तो हमारी लीडिंग हो जाएगी, तो लीडिंग के चक्कर में लीडिंग न कर देना या लीड मत निकलवा लेना हो इस ओबीसी वर्ग के साथियों का, और लीडिंग पीडिंग का भरम दूर कर लो। वो लीडिंग पीडिंग किसी की रहेगी नहीं, रहेगी तो महेंद्रपाल की ही रहेगी, क्योंकि उसी पर ऑल ओवर आर्डर जो आया है महेंद्रपाल पर ही आया है, इसलिए जो पहले दाखिल हुई है वो वही रहेगी और उसी में सारी बातें हैं, उसी में सबका हित सुरक्षित है, महेंद्रपाल में ही सबका हित सुरक्षित है, चाहे वो अपने अक्षरों के साथी हों, चाहे रिजर्व कैटेगरी के साथी हों, चाहे उत्तरमाला से रिलेटेड साथी हों, सभी का हित 1356 में ही निहित। तो जब 1356 में ही आपका हित सुरक्षित है तो क्यों इधर उधर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में हो। तो बहुत ज़्यादा कुछ अब नहीं कहेंगे, वार्ता इतनी ही थी, आप लोगों को अवगत करा दिया, कुर्ती को अपनी जिम्मेदारियों से मतलब एक कह देगी, बता भी देगी, पहले भी बता दे रहे हैं कि अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उसके लिए कुर्ती जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि कुर्ती अपनी पैरवी में किसी भी स्तर से कोई कोर्ट कसर नहीं छोड़ती है, हमेशा जब भी कोर्ट में अपियर होती है तो डेफिनेटर सीनियर के थ्रू ही अपियर होती है, ना कि कोई जूनियर के थ्रू जाती है। हम सीनियर लेकर जाएंगे, अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हमारी टीम, हम और भास्कर हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई और भी व्यक्ति अगर कुछ उल्टा पुल्टा करवाता है तो पूरे अच्छे पद के साथियों का नुकसान होगा, वो उसके प्रति जवाबदेही तय होगी, वो उसी के की गलत मानसिकता से वह जो है कि सभी को नुकसान को झेलना पड़ सकता है। कागज उठा करके रंजीत भाई देख लीजिएगा किसका लगा है किसका नहीं लगा है, वो आपको समझ जाओगे, अब हमसे मत करवाइए, क्योंकि मन बहुत दुखी है और कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो 2-2.5 साल की मेहनत सबका पूर्ण हो जाएगी। अब पुनः कल सुनवाई उपरांत या कल की स्थिति देखने के बाद में देखा जाता है क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद हम लोग आपको समझ पाते हैं, जरूरी समझा जाएगा तो लाइव पोस्टों के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन इतना जान लो अगर समय रहते होश में नहीं आएंगे या समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जो जितना क्राइटेरिया आपका है उतने में ही रहो, उस क्राइटेरिया से अगर आप ज़्यादा भी खुदक कर जाओगे तो नुकसान करके आओगे, इतना मैं जानता हूँ। कोर्ट टीम ने पहले भी कहा था, जैसे कुछ साथी को इतनी जल्दी थी कि स्पेशल अपील लेकर चले गए, कोर्ट करके चले आए, उसी तरीके से कुछ लिबा रहे हैं, शायद उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए जो स्पेशल अपील गई थी। तो कहना सिर्फ इतना है, न तेरा है न मेरा है ये 69,000 हम सबका है, न तेरा है न मेरा है ये 69,000 सबका है, अगर इतनी सी बात ना समझे तो नुकसान सबका है। देखते हैं कल क्या होता है, अब अगर समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। विकल्प के रूप में इलनेस एप्लीकेशन नॉट प्लस एनी अदर इशू काउंसिल बता देंगे, नेक्स्ट सप्ताह में लिस्टेड हो जाएगा। बाकी सरदाम भरोसे हैं, क्या होता है कल समय ही जवाब देगा, अब ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग पहले ही ओवर करा दिया, गुण गोबर होना लगभग मान के चलिए तय। बहुत धन्यवाद, पुनः मिलते हैं, अगर परिस्थिति सब कुछ सही रही या कुछ अच्छा रहा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में तो क्या होता है उस समय के अनुसार सब कुछ निर्भर होगा। खैर दिमाग का अभी भास्कर भी भाई भी भाग करके गए और हम भी भाग करके आ रहे हैं, लेकिन अब दिमाग नहीं काम कर रहा है, बाद में ही आप लोगों से जुड़ेंगे। जी जी बिल्कुल मनोज भैया कह रहे हैं कि भाई मूँछ ऊँची नीची हो रही, बिल्कुल मूँछ ऊँची नीची का मतलब है कि यार जहाँ पे मामला संवेदनशील बन जाए या इस प्रकार समझ लो कि जहाँ पे नुकसान होने की स्थिति आ जाए तो आरक्षित पर को इतना तो समझौता कर ही लेना चाहिए कि पूरे आरक्षित पर का नुकसान होने जा रहा है, इसलिए हमको थोड़ा संयमित होना चाहिए या रुक जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हमारी टीम से हम लोगों से कोई गलतियाँ होती तो बिल्कुल हम लोग तुरंत उसको होल्ड अप कर देते, आगे बिल्कुल ना बढ़ते, क्योंकि नस्लों की लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई है, नौकरी का सवाल है, 2-2.5 साल से लड़ रहे हैं, इसलिए हर एक समझौते करने के लिए तैयार है, मानते हैं अलग अलग लड़ रहे हो, अलग अलग फाइल करते हो, सो बेटा बहुत अच्छा सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को